नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं हूं श्रेया आपके साथ। इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। बबीता मिश्रा जो आए दिन ज्योतिष सिंह का साथ देते हुए सोशल मीडिया पर बोलती नजर आती है, उन्हें मिली है जान से मारने की धमकी। जी हाँ, वो जिस तरीके से आए दिन अपनी बहन कहे जाने वाली ज्योतिष सिंह का साथ देती है, उनके खिलाफ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। इस तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, क्या कुछ बड़े फैसले हैं जो सामने आने हैं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी हैं विकास और प्रिया। सो विकास, जिस तरीके से अब ये मामला काफी ज्यादा संगीन होता जा रहा है, बबीता मिश्रा की जान पर बात आ गई, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बबीता मिश्रा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वैसे में बड़ा सवाल कि आखिरकार जान से मारने की धमकी बबीता मिश्रा को दिया कौन, और ये कहां पर घटना घटा और कैसे घटना घटा। कि बबीता मिश्रा तो जब भी कहीं निकलती है तो अपनी पूरी टीम मेंबर के साथ निकलती है, गाड़ी में निकलती है, उसके बाद भी इतना किसको अधिकार हो गया या इतना कैसे अपराधियों का मनोबल बढ़ गया कि जिस गाड़ी में एक लेडीज बैठी है, वो भी मिसिस इंडिया रह चुकी है, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर है, पत्रकार हैं, और उनकी गाड़ी को रोककर जान से मारने की बिहार में अगर धमकी दी जा रही है तो सरासर इस पर जाँच होनी चाहिए, इस पर पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखिए, पवन सिंह ज्योति सिंह का मामला, पवन सिंह ज्योति सिंह जिस तरीके से चुनाव के घड़ी एक हुए थे और बबीता मिश्रा ने दोनों को एक करवाया था, उसके बाद जैसे ही ये रिश्ता जो है टूटने के कगार पर पहुंचता है, वैसे ही फिर से बबीता मिश्रा जो है लगातार सोशल मीडिया से आवाज उठा रही है इस मुद्दे को लेकर, और आवाज से पवन सिंह के जो टीम मेंबर है उनमें बौखलाहट दिख रही है, आवाज उठ रही है, उसके बाद पवन सिंह के जो टीम मेंबर है उनमें गुस्सा नजर आ रहा है। और जिस तरीके से बीते ही दिनों ज्योति सिंह का एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल होता है, ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने वाला और कोई नहीं बल्कि म्यूजिक डायरेक्टर जो है, जो पटना में बैठे रहते हैं, सबको इंटरव्यू देते रहते हैं, संतोष जी, संजय जी, जो भी हैं, हमें उनका नाम नहीं पता, उन्होंने ये सब कुछ किया, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किया, हर चीज किया। लेकिन उसके बाद बबीता मिश्रा को आखिरकार गुंडे क्यों घेर लिए? बबीता मिश्रा तो भाई सच का साथ दे रही है, अपनी बहन का साथ दे रही है, तो क्या सच का साथ देना इसका मतलब पवन सिंह जो है वो गुंडे भिजवा देंगे किसी के भी घर में? सच का साथ देने का मतलब ये हो जाता है कि पवन सिंह किसी को भी धमकी दिलवा देंगे, और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा शब्द नहीं है कि पवन सिंह के गुंडों ने बबीता मिश्रा को धमकी दिया या पवन सिंह के लोग बबीता मिश्रा के गाड़ी को रोक लिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहने वाली बबीता मिश्रा ही है। आपको हम एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाते हैं, आप जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है वो टीवी स्क्रीन पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आप देखिए कि किस तरीके से बबीता मिश्रा ने वहाँ पर साफ तौर पर कहा कि उनकी गाड़ी को रात को रोकी गई है, और उसके बाद में जो धमकी दिए वो पवन सिंह के गुंडे हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या ज्योति सिंह को अगर इंसाफ दिलाने के लिए कोई आवाज उठाए तो उसका आवाज पवन सिंह जो पावर स्टार है वो इस तरीके से बंद करेंगे? और भी आगे क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में, हम उसे भी बताएंगे, और ज्योति सिंह मैटर में बबीता मिश्रा ने क्या कुछ लिखा है धमकी को लेकर, उसे भी पढ़ाएंगे। जैसे कि प्रिया, मामला सामने आ रहा है कि बबीता मिश्रा को धमकी मिल गई है, देर रात को उन्हें सड़क पर रोककर जान से मारने की धमकी दी गई है, जैसे कि विकास ने भी बताया, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी इसका खुलासा किया है कि पवन सिंह द्वारा ये भेजे गए थे ये गुंडे। बिल्कुल बिल्कुल श्रेया, आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको वो पोस्ट पढ़कर सुनाते हैं जो वाकई उन्हें धमकी मिला है। जी आपको बता दें, ज्योति सिंह का साथ देने के जुर्म में 23 सितंबर को रात करीब 9:30 बजे पवन सिंह के निर्देश पर उनके टीम के सदस्य द्वारा मेरी गाड़ी को रोककर मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। क्या सच का साथ देना इतना मुश्किल है? तो जैसा कि श्रेया आपको बता दें, बबीता मिश्रा ने जो ये बातों का ये संदेश जारी किया अपने सोशल मीडिया पर, आपको बता दें पवन सिंह खुद को काफी बड़ा मानने वाले, भोजपुरी के सुपरस्टार मानने वाले, जो आए दिन जनता की भलाई की बात करते थे, काराकाट क्षेत्र में ये कहते नजर आते थे कि हर माँ मेरी माँ है और हर बेटी मेरी बेटी है और हर घर की बहन मेरी बहन है, और वही पवन सिंह आज दूसरों की बहन बेटी और माँ पर इस तरह से मारने की धमकियां दिलवा रहे हैं, किस तरह का ये जुर्म है? खैर हम क्या ही बोले। बबीता मिश्रा जो आए दिन पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्तों को लेकर बड़े बड़े खुलासे की बातों को जो ज्योति सिंह ने उनसे कहा, वो उन्हीं बातों को सोशल मीडिया पर आकर लोगों से बताई, क्योंकि जनता ही चाहती है कि पवन सिंह ज्योति सिंह साथ रहे। काराकाट चुनाव के दौरान जनता की ये मांग
मांगी थी कि दोनों साथ में नजर आए। ज्योति सिंह ग्राउंड ग्राउंड घूमती नजर आ रही थी, कहा जाए तो हर घर का दरवाजा खटखटाई अपने पति के लिए वोट मांगने के लिए। लेकिन क्या हुआ आखिरकार, पवन सिंह इतने ही सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो क्यों ज्योति सिंह के साथ दूरियां बना लिए हैं? कहां गई उनकी पत्नी, जिस पत्नी को लेकर के वो गांव गांव घर घर भटक रहे थे चुनाव दौरान, कहां गई वो पत्नी आखिरकार? अब बबीता मिश्रा इस पर बोल ही दी तो उनको धमकियां देना शुरू करवा दिया गया, उन्हें मारने की धमकी शुरू हो गई है। तो ये जरा सर गलत है, अगर कोई सच का साथ दे रहा है। आज मैं ही ज्योति सिंह की तारीफें कर दूं तो अगले दिन मुझे भी पवन सिंह के गुंडे मारने की धमकी दे देंगे, ऐसा ही ना? यानी हर सच्चाई पर आप अपने मुंह पर ताले लगा के रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आज का दौर ऐसा हो गया है श्रेया कि अगर आप सच्चाई को लेकर बोलते हैं तो लोग आपके मारने के लिए आपके घर पे गुंडे भेज देते हैं। और वही इस वक्त बबीता मिश्रा जी के साथ हो रहा है। हालांकि बबीता मिश्रा का साफ तौर पर कहना था कि उनका निजी जीवन है, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ज्योति सिंह उन पर भरोसा जताती है, बहन मानती है। आप श्रेया मुझे बहन मानिएगा तो हम भी आपके दुख में आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो बहन किस काम का जी। विकास, जिस तरीके से ये मामला काफी ज्यादा अब आगे बढ़ चुका है, अब अपराध का रूप ले रहा है ये कहा जाए, ये मामला जिस तरीके से ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते में कहा जाए तो फूट हुई या फिर जो भी हालात चल रहे हैं वो इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि उसके ऊपर जब लोग टिप्पणियां दे रहे हैं, अपने बातें सामने कर रहे हैं, सच्चाई का साथ दे रहे हैं, तो उन्हें इस तरीके से कहा जाए तो एक जुर्म करके उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पवन सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो पवन सिंह हमेशा से लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते आए हैं, ये सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पवन सिंह किस किस्म के इंसान हैं। वैसे में बबीता मिश्रा को धमकी दिलवाना पवन सिंह के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, जो बबीता मिश्रा दावा कर रहे हैं। उनके टीम मेंबर किस तरीके से महिलाओं के साथ हरकत करते हैं, किस तरीके से महिलाओं से बात करते हैं, ये सब ने देखा है। और चुनाव के ठीक समय महिलाओं को किस तरीके से पवन सिंह के इशारे पर पवन सिंह के लाए हुए लड़कियों को पूरा काराकाट में नचवाया गया था, ये भी तस्वीर सबने देखा है। तो पवन सिंह का लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या उनके नजर में सम्मान है, ये सभी को पता है, तो ज्यादा इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बबीता मिश्रा डटकर ज्योति सिंह के साथ खड़ी है। आप एक धमकी दिलवा दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि बबीता मिश्रा डर जाएगी या बबीता मिश्रा या जो ज्योति सिंह के सपोर्टर हैं वो डर जाएंगे। अगर आपके सपोर्टर हैं तो ज्योति सिंह के भी सपोर्टर हैं, ज्योति सिंह को भी चाहने वाले लोग हैं। अगर आप पावर स्टार हैं तो ये याद रखिए कि वही पावर स्टार की धर्मपत्नी ज्योति सिंह भी है और ज्योति सिंह के भी चाहने वाले बहुत है। और जिस तरीके से बबीता मिश्रा को धमकी दिया गया है, रात को 9 बजे गुंडे भेजकर उनकी गाड़ी को रुकवाया जाता है, तो इससे पवन सिंह क्या दिखाना चाहते हैं? इससे तो पवन सिंह वो यही है ना कि ज्योति सिंह को पहले मारपीट कर डराते थे, उसके बाद ज्योति सिंह को जब नहीं डरा सके तो अब ज्योति सिंह के पीछे जो सबसे मजबूत स्तंभ खड़ी है बबीता मिश्रा, और लगातार ज्योति सिंह को न्याय दिलवाने के लिए फिर से आवाज उठा रही है, तो उसे डराओ, उसे धमकाओ ताकि उसका मुंह बंद हो जाए। तो ये भाई मीडिया है या आपके 4-5 जो चैनल है ना, वो नहीं है कि आप जब चाहेंगे तो 4-5 चैनल पे ताला लगवा दीजिए, जब चाहेंगे खोलवा देंगे और जैसे चाहेंगे वैसे उठाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे बैठाएंगे पवन सिंह जी, और आपके जो 4-5 मेंबर है वो सुन ले कान खोल के। तो ये मीडिया है, ये अच्छे तरीके से खबरों को चलाना जानती है और डरने वाली तो बिल्कुल नहीं है। भैया, आपको जो करना है कर लीजिए, आप बबीता मिश्रा को धमकी दिलवा रहे हैं दिलवा दीजिए, लेकिन आप उनको हाथ लगा सकते हैं, या आपको भी पता है कि अगर आप हाथ लगवाएंगे तो आप कहाँ होंगे। अभी तो सिर्फ ज्योति सिंह ने केस ठोकने के लिए तैयार हुई है ना, उसके बाद आपके और आपके टीम मेंबर पर इतना केस ठोकाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ होता है और किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, और आपके टीम मेंबर जो है वो धमकी देकर और आपको नीचा गिराने का ही काम किए हैं, ना कि ऊपर ले जाने का। इससे आपकी छवि और खराब हो रही है पवन सिंह जी, क्योंकि यहाँ तो पहले सिर्फ ज्योति सिंह आरोप लगाती थी, लेकिन अब तो बबीता मिश्रा पर भी हमला हो गया। तो अब तो बबीता मिश्रा भी यही बात कह रही है कि पवन सिंह मुझे धमकी दिलवा दिए हैं, जान से मारने की धमकी दिए हैं। जिस तरीके से उनके ऊपर संगीन आरोप लग रहे हैं कि वो जिस तरीके बबीता मिश्रा के ऊपर वो हमला करवाए गए, उन पे धमकी दी गई कि अगर अब आगे बोलती उन्हें जान लेने की धमकी दिलवाई गई। आपको बता दें कि जिस तरह से बबीता मिश्रा को धमकी दिया जा रहा है, ये काफी निर्दलीय हरकत है। कहा जाए तो पवन सिंह
काफी जाने माने माने जाते हैं। पवन सिंह ने खुद कारा का चुनाव के दौरान ये कहा था, जो मैं बात आपको पहले भी बोली हूँ कि हर बहन को अपनी बहन मान रहे थे चुनाव दौरान में, यानी बबीता मिश्रा भी उनकी अपनी बहन ही लगी एक तरह से माना जाए तो, क्योंकि जब वो दावा करते हैं कि हर बिहार की बेटी मेरी बहन है, तो फिर धमकियां जो मिल रही है इससे कहीं ना कहीं पवन सिंह की छवि खराब हो रही है। और हम भी नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह जो सुपर स्टार है उनकी जो छवि बनी है काराकाट की जनता और कहा जाए तो वहाँ के आसपास जितने गाँव के लोग हैं पवन सिंह पे भरोसा जताते हैं, उनकी छवि को अच्छा बताते हैं, तो पवन सिंह की छवि पर दाग लगे। पवन सिंह को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो हरकतें हो रही है, पत्नी को कभी घर से भगा देना, कभी घर पे लाना, और कहा जाए तो तीसरी शादी की बात, तो इस पे पवन सिंह को अपनी चुप्पी आकर तोड़ना ही चाहिए, नहीं तो ये मामला कहाँ तक जाएगा ये खुद पवन सिंह भी नहीं जानते हैं। और रहा बात ये धमकी के बाद से, ये मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि बबीता मिश्रा भी कोई नॉर्मल नहीं है, मीडिया से बिलोंग करती हैं वो, और मीडिया को धमकाना कितना बड़ा बात हो जाता है ये तो खैर हम क्या ही बोले, लोग जानते हैं, एजुकेटेड लोग हैं, कहा जाए तो मीडिया को चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। लेकिन देखने वाली बात ये हो जाएगी कि पवन सिंह इस पे कब अपनी चुप्पी तोड़ते हैं और आकर सामने, क्योंकि अपने जो गुंडे या फिर उनके नाम पर कहा जाए तो फर्जी लोग भी वो हो सकते हैं जो धमकाने का कार्य किए हैं, मैं भी हो सकता है पवन सिंह के वो फैन ही क्यों ना हो, पर पवन सिंह को इस पर बोलना तो चाहिए ना भाई। अगर फैंस गलत कर रहे तो आप उन्हें संदेश दीजिए, आप इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, जारी कीजिए, लाइव आइए, लोगों को संदेश दीजिए, अपने फैंस को संदेश दीजिए कि इस तरह की गलत अफवाहें ना फैलाएं, इस तरह का कार्य ना करें। तो जैसा कि आज हमने तमाम मुद्दों पर बात की, बताया जा रहा है कि बबीता मिश्रा पर जिस तरीके से उनके ऊपर कहा जाए तो उन्हें धमकी दी गई कि अगर वो बातें करना अब नहीं छोड़ती हैं इनके रिश्ते के ऊपर तो अब उन्हें जान से मार देने की तक की धमकी दे दी गई है। उसके अलावा जिस तरीके से पवन सिंह के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, वो उस पर अपनी चुप्पी नहीं क्यों तोड़ नहीं रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठाता है कि अगर इतना बड़ा हादसा हो रहा है, इतने लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो आपके एक सवाल के जवाब से सारी चीजें रुक सकती है, लेकिन अगर पवन सिंह सामने नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, इस पूरे मीडिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है, सही से ज्यादा जल्दी गलत खबर फैलती है। तो अगर आप अपनी नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहते, अपनी नेगेटिव पब्लिसिटी को रोकना चाहते हैं, तो पवन सिंह को जल्द से जल्द फैन के सामने आना होगा, लोगों के सामने आना होगा और बात को रफा दफा करना होगा, वरना यह मामला कहां तक जाएगा ये तो हम आपके बीच साझा करते ही रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एक न्यूज 24 तक। धन्यवाद।